यातायात नियमों को लेकर कैथल ट्रैफिक पुलिस आई अलर्ट मोड पर, लोगों के द्वारा नियमों का पालन न करने पर आए दिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वाहन चालकों के किए जा रहे हैं चलान। पिछले कुछ दिनों में 100 से ज्यादा किए गए चलान। कैथल ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट या बिना कागजात यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाता है तो उनके चलान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिना नंबर प्लेट व बुलेट के पटाखे बजाने वालों के भी पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार चलान किए जा रहे हैं। नौजवान लड़के हैं जो बिना नंबर की मोटरसाइकिल रखते हैं, तीन सवारी बैठती हैं, हेलमेट लगाते हैं और बुलेट, खासकर उनकी तरफ ध्यान ज्यादा। उधर एक आदमी है, कोई पूरी फेरा जा रहा, लेडीज उसको नहीं फेरा जा रहा, आम लोकल दुकानदार है कोई भाई आगे आया हो कि आसमान लेने जाओ, उसको भी बता रहे हैं बस हेलमेट रखो। अक्सर देखा जाता है कि स्कूल कॉलेज के सामने भी जो है इस प्रकार के जो आवारा टाइप लड़के हैं, आप कई दिन से देख रहे हो, साइकिल पे चलते हैं, बुलेट के पटाखे तक चलाते हैं, तो इन पर भी कोई अभियान चलाया हुआ है। आप कई दिन से देख रहे हो, पुलिस का भी हम आते हैं हर रोज, कोई नहीं दिखाई दे रहा, खासकर बुलेट कुंडली के अंदर से गायब हो चुकी है। एसपी साहब के आदेश अनुसार हमने बहुत ज्यादा त्राण कर दिए, 80-82 त्राण कर चुके हैं बुलेटों के, अभी शायद हमारा सुबह एक बुलेट दिखाई दे रही है। ये अभियान जो चला हुआ है ये एसपी साहब के निर्देशानुसार चला हुआ है या विधायक है जो सतपाल जाम्बा जी के निर्देशानुसार? विधायक साहब के, हमारे एसपी साहब के भी आदेश है बुलेट ज्यादा त्राण करते हैं। तो मतलब बगैर हेलमेट या बगैर आरसी बगैर बीमा के जो भी दिखाई देगा उसके चलान काटे ही जाएंगे? हाँ, समझा भी रहे हैं लोगों को, साथ में हेलमेट रखो, ऐसा भी भाई हर एक आदमी चलान काट रहे हैं, लोकल आदमी है उसको समझा रहे हैं हेलमेट रखो भाई। उधर एक आदमी आज कितने चलान काट दिए? आज 15 चलान काट चुके हैं, जो तकरीबन बिना नंबर के हैं मोटरसाइकिल। कितनी गाड़ियां इंपाउंड की हैं? इंपाउंड 3 कर चुके हैं।